इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बीकानेर से लेकर जयपुर तक बेनीवाल का डंका। राजस्थान के दिग्गज जाट नेता हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भले ही ज्योति मिर्धा और अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक रखी हो, लेकिन इन सबसे बेपरवाह बेनीवाल अब बीजेपी के मिशन 25 को पूरा करने के लिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर लेकर राजस्थान की बची हुई 12 सीटों पर धुआंधार प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। 2 मई को बेनीवाल ने बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में जनसभा की और उनको जिताने की अपील की। आपकी नींद तैयार दिलाने के लिए आपका भाई आपकी धरती पर है, वीर भूमि के लिए समझ जाओ। समय निकलने के बाद कोई नहीं पूछेगा, और जिन कांग्रेस के नेताओं की आप चिंता कर रहे हो उनकी चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो अशोक गहलोत है, खुद इनका ऑपरेशन किया था, इसलिए वो तो बिना बात के हवा में भाग रहे, उनका कोई चुनाव नहीं है और अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न मना रहे। अब तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि चीज को लड़ो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर मदन ही नाम है उसका, अगर मदन जीत गया तो फिर कौन में पड़े रहना, कांग्रेस की तो 70 सीट आ रही है, और अर्जुन जी जीते तो कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, बाद में मदन को आप जोड़ते रह जाओगे। मदन भी कोई ज्योति मिर्जा से कम नहीं है, विदेश यात्राएं करेगा, आप जोड़ते रहोगे, मिलेगा नहीं, इसलिए मदन को तो यही रोको और अर्जुन जी को दिल्ली भेजो, आपके भाई का मान सम्मान बढ़ाओ। मैं विश्वास लेता हूँ कि आपकी सेवा के लिए हम दोनों भाई मिलकर, भाई बोलाल जो लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व करे राजस्थान की विधानसभा के अंदर, हम तीनों मिलकर नेता के अंदर पानी की जो आपकी समस्या है उसका समाधान तो करेंगे। लेकिन हमारे पुराने नेताओं ने जो खड्डे खोदे नागौर बीकानेर की धरती पे, उन खड्डे को भी हम भरने का काम करेंगे। मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हुआ, मोदी है तो ये बड़ा काम था इस देश के लिए, छोटा काम नहीं था। चीन जैसी महाशक्ति को भी कूटनीतिक तरीके से समझाइश करके संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंक घोषित कर दिया, इसका मतलब मोदी है तो अब वो कटी छुप जाओ बोले पार को निपड़े बिन खोज ले सी लोग। मोदी है तो हमारे यहाँ धानिया धानिया में दीनदयाल में कनेक्शन हो गए, मोदी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन गए कहीं 400 300 200, मोदी है तो घर घर में गैस पहुंच गई, मोदी है तो ये जो पेंशन और अन्य योजना डायरेक्ट खाते में आने लग गई, मोदी है तो ये साथियों ये 17वीं लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव से ये तय होगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। तो मैं आपसे अपील करना आया हूँ, हनुमान जी का इशारा आ गया, 6 मई को चुनाव है, 3 मई को प्रधानमंत्री जी कल ही बीकानेर आ रहे हैं, एक बड़ी पानी को लेकर के, पीने के पानी और सिंचाई के पानी को लेकर के एक बड़ी आपके समक्ष घोषणा या आपके समक्ष एक वादा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बीकानेर में जहां बेनीवाल ने मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लिए प्रचार किया, तो वहीं इसके बाद उनके हेलीकॉप्टर ने जयपुर के लिए उड़ान भरी, जहां उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण सीट पर जाट मतदाताओं का ठीक ठाक प्रभाव है, ऐसे में बेनीवाल के पहुँचने से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की राह बेहद आसान हो जाती है। पप्पू को तो मैं लोकसभा में जा रहा हूँ, मैं इतने परेशान कर दूंगा कि और ही बंद कर देगा लोकसभा को। वैसे अर्जुन जी मेघवाल का बहुत बड़ा स्नेह मेरे साथ है, ये व्यक्ति जब IAS थे कलेक्टर थे बहुत सेवा करी, गांव का कोई भी व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा कोई भी व्यक्ति इनके पास गया, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हुआ करते था, उसके बाद भी अर्जुन जी को दो तीन बार मैंने फोन किया, इनका हनुमान जी आप तो भेजो, काम भी किए और मंत्री दिल्ली सरकार में थे, और मेरा उस समय सरकार से झगड़ा था राजस्थान के अंदर, मैं अलग चल रहा था,
अर्जुन जी को धन्यवाद दूंगा, नागौर आते जाते आपके भाई हनुमान का ध्यान जरूर रखते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों आज देश पुकार रहे, बाप माता पुकार रही थी, हनुमान अपनी सेना को लेकर राम जी की मदद के लिए आओ, और हनुमान ने देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर पूरी आईएलपी पार्टी को कमल का फूल खिलाने के लिए जवानों को तैनात कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने अर्जुन राम मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए प्रचार करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां इन सीटों पर बीजेपी को कमल खिलाने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लोकसभा राजपूत और दलित मतदाताओं को भी एक नया संदेश दिया है कि वो किसी एक जाति के नहीं बल्कि 36 कौम के नेता हैं। साथ ही राजपूतों, दलितों और मुसलमानों को लेकर कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो मोर्चाबंदी कर रखी है उसे भेदने में भी उन्हें जरूर मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।